हिंदी की मात्रा सीखें ध्वनि के साथ। पार्ट एट, पार्ट सेवन तक हमारे पहले हो चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं पार्ट एट। कौन सी मात्रा? बड़ी ए की मात्रा। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखी हिंदी सीखने के लिए, तो वो पहले सब्सक्राइब करें ताकि आप और वीडियो भी देख सकें और हिंदी को अच्छे तरीके से सीख सकें। तो बड़ी ए की मात्रा, तो बड़ी ए की मात्रा वाले आज हम शब्द सीखेंगे कि बड़ी ए की मात्रा किस तरह से होती है। अब बड़ी ए की मात्रा देखने में तो हमें ऐसा लगता है कि इसके ऊपर एक मात्रा है ए के ऊपर, लेकिन ये हमारी बड़ी ए होती है। एक हमारी हमने सीखी थी छोटी ए, अब छोटी ए में हमारी एक मात्रा आती है अक्षर के ऊपर, लेकिन जो हमारी बड़ी ए होती है इसमें अक्षर के ऊपर दो मात्राएं आ जाती हैं। तो इसकी जब दो मात्राएं आ जाती हैं तो हमारी आवाज भी डिफरेंट हो जाती है। तो हम इस आवाज को कैसे निकालेंगे अक्षरों के साथ? तो ए की मात्रा वाले शब्द क्या सीखेंगे आज हम? बड़ी ए की मात्रा वाले शब्द। अब जैसे अब फिर से हमारे पास वही क आ गया सबसे पहले, तो क है ना, ये तो क, जब हमने छोटी ए की मात्रा सीखी थी तो हमने क के ऊपर एक मात्रा लगाई थी, तो हमने उसको बोला था के। लेकिन आज हम दो मात्राएं लगा रहे हैं, तो दो मात्राएं लगाने के लिए हमें इस आवाज को कैसे निकालना है? के, अपने पूरे मुंह को खोलकर के, जैसे वो बकरी में बोलते हैं ना मैं, दो मात्राएं उसमें लगी हुई होती हैं, ऐसे ही के, च में लगी हुई है दो मात्राएं, चे, हम पूरे मुंह को खोल के इसकी आवाज निकालेंगे। तो इसी तरह के आप और शब्द भी देखिए। अब जैसे क में दो मात्राएं, के, खे, खे में है तो ग में है तो गे, घे में है तो घे, चे में है तो चे, छे में है तो छे, जे में है तो जे, और एक हमारा सबसे फेमस जो है सबसे नीचे वाली लाइन में ह, ह पे दो मात्राएं लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? है। जब भी हम कोई कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ करते हैं, तो सब में हमारा ज्यादातर पीछे क्या आता है? दो मात्राओं वाला। तो इससे आप अच्छी तरह पहचान करो कि जब भी हमने दो मात्राओं वाला कोई शब्द देखना है तो उसको कैसे बोलना है, जैसे हम है बोलते हैं दो मात्राओं वाला, है, मैं, ऐसे बोलते हैं ना, तो हमने इस तरीके से बोलना है। जब हम इस तरीके से सारे अक्षरों को बोलेंगे तो हमें बड़ी ए की मात्रा बोलनी भी आ जाएगी और हमें फिर आसान भी लगने लगेगा। तो इसी तरह से अब आप जितने भी अक्षर हैं उनको दो मात्राएं ऊपर लगाकर और वही आवाज निकालकर बोलते जाएं, फिर आप देखना आपको कितनी आसानी से बोलना आ गया है। धन्यवाद।